आज की कहानी का नाम है मूर्ख नौकर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यापारी ऊँटों पर चमड़े में लिपटे हुए वस्त्रों की गांठें लादे हुए अपने नौकरों के साथ जा रहा था। मार्ग में उसका एक ऊँट थक गया। वह नौकरों और गांठों को वहीं छोड़कर पास के गांव से एक ऊँट लाने के लिए चल दिया। जाने से पहले वह नौकरों से बोला, देखो बादल छाए हुए हैं, यदि वर्षा होने लगे तो ध्यान रखना कि चमड़ा भींगने न पाए। मैं दूसरा ऊँट लेकर अभी आता हूँ। आप फिक्र न करें मालिक, नौकरों ने एक स्वर में कहा। व्यापारी निश्चिंत होकर ऊँट लेने के लिए चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद जोरों से वर्षा होने लगी। नौकरों ने चमड़े के गट्ठों में से कपड़ों को निकालकर चमड़े को ऐसा कर दिया कि वह भींगने न पाए। इस प्रकार सारे कपड़े खराब हो गए। वर्षा रुकने पर व्यापारी लौटा, कपड़ों को भींगा देखकर उसकी छाती पर सांप लौटने लगे। वह गुस्से में बोला, अरे दुष्टो, तुमने यह क्या किया है? नौकर एक स्वर में बोले, मालिक आपने ही तो कहा था कि चमड़ा भींगने न पाए, इसमें हमारा क्या दोष है? व्यापारी ने नौकरों की बात सुनकर सिर पीट लिया। जिन कपड़ों की गांठों की रक्षा के लिए उसने चमड़े को भींगने से बचाने के लिए कहा था, उन्हीं को उन्होंने भींगो दिया था। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि मूर्ख असली बात को न समझकर उल्टा समझते हैं और हानि कर देते हैं। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।